नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 10:12 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 7:56 तक आयुष्मान योग रहेगा। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। साथ ही आज देर रात 3:09 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। शतभिखा नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 16 जुलाई की शाम 6:52 से रात 11:45 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 12 तारीख को सूर्योदय से सुबह 8:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:12 से दोपहर बाद 3:20 तक और शाम 5:38 से 7:42 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 10 जुलाई की सुबह 8:23 से दोपहर पहले 11:30 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:12 से दोपहर बाद 3:20 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:12 से दोपहर बाद 3:20 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 10:12 से दोपहर बाद 3:20 तक और शाम 5:38 से रात 10:52 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 तारीख को सुबह 10:32 से शाम 5:37 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:12 से दोपहर बाद 3:20 तक और शाम 5:38 से रात 10:52 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति समय से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब ये अशुभ समय 13 जुलाई की रात 9:25 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:10 से दोपहर बाद 3:54 तक। मुंबई दोपहर 2:23 से शाम 4:02 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:58 तक। लखनऊ दोपहर 1:54 से दोपहर बाद 3:37 तक। भोपाल दोपहर 2:06 से दोपहर बाद 3:48 तक। कोलकाता दोपहर 1:23 से दोपहर बाद 3:03 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:25 से शाम 4:06 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहली बात, रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज किसी काम को लेकर आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। माता पिता के साथ आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। व्यापार में आपको उम्मीद से कम ही लाभ हो पाएगा। आज आपका पैसा कहीं अटक सकता है। साथ ही बढ़ता खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। लव मेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका उदार भाव लोगों को काफी प्रभावित करेगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपने किसी काम में आपको दोस्त की मदद मिलेगी। उधार लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। बच्चों के साथ आप खुशी के पल बिताएंगे, क्योंकि आज संतान पक्ष से कोई खास खुशखबरी मिलेगी। आज आप ऑफिस का काम समय से पूरा करने में सफल होंगे। आज आपको जिद करने से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आप कई दिनों से रुके हुए कार्य पूरा करने में सफल होंगे। परिवार में आपका पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा। आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाहितों को संतान सुख की प्राप्ति होगी। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे। दाम्पत्य संबंध में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही परिवार में भी सभी लोग पसंद रहेंगे। कोई खास दोस्त आज आपसे आर्थिक मदद के लिए कहेगा। संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। आज आप परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सफल होंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आपसे विश्वास के सहारे पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। मेहनत के परिणाम आपको जल्द ही मिलेंगे। करियर के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। लव मेट्स के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। छात्रों को परीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आज आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहने वाला है। आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे, जिसका आपको लाभ भी मिलेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को करियर में सफलता मिलेगी। इस राशि के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। कोई नया काम शुरू करने का मन बनाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। पारिवारिक माहौल खुशहाल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपको किसी घरेलू काम में आप व्यस्त रहेंगे। घर वालों के साथ बेहतर तालमेल बनाने में आप सफल होंगे। पैसों के मामले में पार्टनर से मदद मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों का इंक्रीमेंट और पदोन्नति होने का योग बन रहा है। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान रहेगा। कुछ खास कार्यों में दोस्तों से मदद मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। निवेश के मामले में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला होगा। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। मिलकर किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में उचित लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपका ध्यान अध्यात्म की ओर अधिक लगा रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को करियर से रिलेटेड अच्छे मौके मिलेंगे। नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आज का दिन शुभ है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। आज आपको कार्यों में अपने बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आज आप करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे। किसी काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपके रुके हुए काम घर वालों की मदद से पूरे होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपको दूसरों के सामने सोच समझकर बोलना चाहिए। आज किस्मत का साथ मिलने से अपने कार्यों को समय से पूरा करने में सफल होंगे। आज आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आप खुद के कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। किसी खास व्यक्ति से फोन पर बात होगी, जो आगे चलकर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। आपके दाम्पत्य संबंधों में सौहार्द बना रहेगा। पैसों के सिलसिले में थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना बेहतर होगा। अपने कार्यों की योजनाओं में आप बदलाव लाएंगे।
जीवन साथी आपकी हर बात को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही वो किसी काम में आपसे सलाह भी ले सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका मन सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगा, छात्रों को बेहतर परिणाम हासिल होंगे, आप पूरे दिन खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे, दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्लान बनाएंगे जिससे आगे चलकर आपको फायदा भी होगा। आज आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे, आज अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में लौंग का जोड़ा रखें, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज केले के पेड़ का पूजन करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों पैसे कमाने के नए तरीके मिलेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मूलांक 2, आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। मूलांक 3, अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को अपने विचारों से सहमत कराने में सफल होंगे। मूलांक 4, आपके किसी काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। मूलांक 5, अगर आप कोई भी फैसला ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लें। मूलांक 6, अपने काम को अच्छी दिशा देने के लिए जितना प्रयास करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। मूलांक 7, कार्यालय में सीनियर्स आपके ऊपर काम को लेकर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। मूलांक 8, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपका वो काम बिगड़ सकता है। मूलांक 9, छात्रों का मन पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी एकांत जगह पर पढ़ाई करें तो बेहतर होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे विभिन्न रंगों की चीजों को सही दिशा में रखने के बारे में। किस रंग की वस्तुओं को किस दिशा में रखना चाहिए और उसका क्या प्रभाव होता है यह मैं आपको बताऊंगा। आज सबसे पहले बात करेंगे पीले रंग की चीजों के बारे में। पीले रंग की चीजों में हर वो चीज आ जाती है जो घर में उपयोग में आती हो, चाहे वो घर में रखी सब्जी भाजी हो या पीली दाल, कोई पेंटिंग हो या गुलदस्ता, सब चीजें जो पीले रंग की हैं उनके लिए घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा अच्छी है। पीले रंग को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने से माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पेट संबंधी तकलीफों से छुटकारा मिलता है, लीवर का संचालन अच्छा रहता है, पाचन क्रिया अच्छे से होती है। देखो, साउथ वेस्ट, सेंटर और नॉर्थ ईस्ट, इस पूरी तिर्यक रेखा का कलर येलो है। तो पीले रंग से संबंधित चीजों को नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ है। वास्तुशास्त्र में कल हम बात करेंगे लाल रंग की चीजों के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी गुरुवार का दिन आयुष्मान योग और शतभेखा नक्षत्र है। आयुष्मान योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते या उनका असर लंबे समय तक रहता है। साथ ही आज शतभेखा नक्षत्र रहेगा, इसका अर्थ होता है 100 चिकित्सक, 100 डॉक्टर्स। शतभेखा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और पेड़ पौधों में इसका संबंध कदंब के पेड़ से बताया गया है। और अब बात करेंगे सावन के महीने के महत्व और सावन महीने के दौरान किए जाने वाले कृत्यों के बारे में। भगवान शिव को समर्पित श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण मास 6 जुलाई से शुरू होकर इस साल 3 अगस्त तक रहेगा। श्रावण महीने को शिव भक्ति के लिए जाना जाता है। इस श्रावण मास में ही भगवान शिव के निमित्त कांवड़ भी लाई जाती है, जिसे श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन उचित विधि विधान से भगवान शिव के मंदिर में अर्पित किया जाता है। वैसे तो पूरा सावन का महीना शिव भक्ति के लिए समर्पित है, लेकिन शिव भक्ति के लिए श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार का बड़ा महत्व बताया गया है। आपको बता दूं, इस बार श्रावण के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 6 जुलाई को, दूसरा 13 जुलाई को, तीसरा 20 जुलाई को, चौथा 27 जुलाई को और अब पांचवा 3 अगस्त को है। तो ये थी चर्चा सावन महीने के महत्व के बारे में। और अब बात करते हैं श्रावण कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले कुछ मुख्य त्योहारों के बारे में। सावन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 13 जुलाई को शीतलाष्टमी है। साथ ही इस सावन के महीने का दूसरा सोमवार भी 13 जुलाई को ही पड़ेगा और श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई को है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई को है। इस दिन शनिवार होने से ये प्रदोष शनि प्रदोष होगा। अरे महाराज, लिखते चलिए, थोड़ा सा काम आएगा, ये सब काम आएगा, लिखिए।
श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को 20 जुलाई है, इसी दिन सावन का तीसरा सोमवार पड़ रहा है। इस दिन सोमवार होने की वजह से सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। तो ये थी चर्चा श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में किए जाने वाले कृत्यों की, और अब बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। वो महीने में दो पखवारे होते हैं, कृष्ण हो गया, शुक्ल बाकी है। तो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी यानी वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत 24 जुलाई। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी 25 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन याद रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपको नागों का कि किस दिशा में किस नाग की पूजा करने से कालसर्प दोष समाप्त हो जाता है। अगर कालसर्प दोष नहीं है, अब जैसे इस समय कुछ समय के लिए पूरे दुनिया कालसर्प दोष बना हुआ था, तो उसको कैसे ब्रेकआउट करें। ये जो सामूहिक पर्व मनाए गए हैं वो एक साथ जब करोड़ों लोग नाग पंचमी का त्यौहार मना करके और एक खास किस्म की पूजा करते हैं, तो उससे एक एनर्जी पैटर्न पैदा होता है। ध्यान रखिएगा 25 जुलाई को, उस दिन हम कोशिश करेंगे एक दिन पहले या उसी दिन बताएं आपको, बल्कि मध्यान्ह में पूजा की जाती है, तो 25 जुलाई को हम पूरा इसके बारे में डिटेल बताएंगे। ध्यान रखिएगा और करिए उसको, उसे सिर्फ आपको नहीं पूरी सोसाइटी को फायदा होगा। यह नाग का मतलब वो लोग सिर्फ सांप समझते हैं, ऐसा नहीं। इट्स जैसे वास्तु नाग भी एक चीज होती है। वास्तु नाग क्या है? सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से प्लैनेट अर्थ के भीतर भीतर जो घूमने वाला एनर्जी पैटर्न है उसे वास्तु नाग कहते हैं। तो नाग पंचमी पृथ्वी पर रेंगने वाले सांपों से ही रिलेटेड नहीं है, या उड़ने वाले सांपों या जैसे भी होते हों उन सर्पों से ही रिलेटेड नहीं। यहां नागराज वासुकी का कंसेप्ट भी है, जिन पर जो पाताल लोक में निवास करते हैं, जिनके ऊपर श्री विष्णु शयन करते हैं। तो व्हाट इज दिस, इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी क्या है, साइंटिफिकली ये कैसे इफेक्ट करेगा, 25 तारीख को सारी बात करेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 30 जुलाई को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा, और श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 1 अगस्त को शनिवार के दिन, जिस वजह से शनि प्रदोष किया जाएगा, और शनि प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, और संतान है तो संतान की उन्नति होती है। देखो इस सावन में दोनों प्रदोष शनि प्रदोष है, ये इंपॉर्टेंट बात है, कृष्ण पक्ष का भी और शुक्ल पक्ष का भी, दोनों प्रदोष शनि प्रदोष। श्रावण शुक्ल और इस समय शनि आकाश मंडल में अपनी ही राशि में है और वक्री है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 3 अगस्त को स्नान दान व्रत आदि की श्रावणी पूर्णिमा मनाई जाएगी, और इसी दिन भाई बहन के आपसी प्यार और सौहार्द का त्यौहार रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। श्रावणी पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उस दिन वो जो सनातन धर्मी है वो श्रावणी उपाकर्म करते हैं, उसका संकल्प इतना लंबा होता है कि अच्छे अच्छे लोग उस संकल्प को पढ़ने में ही, तो और इसके साथ ही रक्षाबंधन के साथ ही सावन का महीना समाप्त हो जाएगा, तो चातुर्मास का पहला महीना समाप्त होगा। तो ये थी चर्चा श्रावण के महीने के शुक्ल पक्ष में, पहले कृष्ण बताया, अब शुक्ल पक्ष वाले कृत्यों के बारे में, और अब बात करते हैं श्रावण के महीने में। देखो वहां गड़बड़ चीजें भी तो है ना, सिर्फ अच्छा ही अच्छा थोड़े ही है। समुद्र जब मंथन हुआ तो अमृत ही नहीं निकला, हलाल भी निकला था, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, वो केवल सत नहीं है, वो सत भी है और असत भी है। तो श्रावण के महीने में पढ़ने वाले पंचक और भद्रा की भी चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे पंचक की। श्रावण के महीने में पंचक की शुरुआत 8 जुलाई की दोपहर 12:31 से होगी और 13 जुलाई की दोपहर पहले 11:14 तक रहेगी। बता दूं कि धनिष्ठा से रेवती तक के 5 नक्षत्रों को समूह को पंचक कहा जाता है। पंचक के दौरान वुड वर्क अवॉइड करना चाहिए, लकड़ी खरीदना नहीं चाहिए, काष्ठ और तृण का संग्रह नहीं करना चाहिए और वुड वर्क अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी पंचक की चर्चा। अब बात करते हैं भद्रा की। बता दूं कि आने वाली 11 जुलाई को दोपहर 1:34 से शुरू होकर देर रात 2:41 तक पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा रहेगी, और 23 जुलाई की देर रात 3:50 से शुरू होकर 24 जुलाई की दोपहर 2:45 तक 2:35 तक आफ्टरनून पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा रहेगी। ये दोनों भद्राएं हैं। यहाँ एक बात याद दिला दूं कि जिस दिन पृथ्वी लोक की भद्रा होती है केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों में वर्जित होती है, जब स्वर्ग या पाताल लोक में होती तो उसका कोई प्रभाव नहीं। ये थी अशुभ भद्रा की, इसलिए हमने स्वर्ग और पाताल की भद्रा का जिक्र ही नहीं किया। तो और अब बात करते हैं आज के दिन शतपिका नक्षत्र में किए जाने वाले राशिवार उपायों की। बता दूं कि आज देर रात 3:09 तक चंद्र
ये शतभिका नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में शतभिका 24वां नक्षत्र है, इसका अर्थ है सौ चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को संभाल लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना, विद्यारंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। शतभिका नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो एक छायाग्रह है और इसकी राशि कुंभ है, यानी इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं। शतभिका नक्षत्र के प्रभाव में जन्म लेने वाले जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिका नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से है, भगवान कृष्ण का अत्यंत प्रिय वृक्ष। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिका नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को सदैव ही कदम्ब के पेड़ की पालना और उपासना करनी चाहिए। और अब बात यह कि इस नक्षत्र में क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगर आप अपने विचारों को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको चांदी का छोटा सा हाथी लाकर घर में रखना चाहिए। अगर चांदी का ना ला पाए तो मिट्टी का हाथी ला के रख लीजिए। और अगर आप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज के दिन सरसों के तेल की शीशी मंदिर में दान करिए। अगर ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन चंदन को घिसकर उसे अपने मस्तक पर टीका लगाइए। अगर आप अपने व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में कच्चा जटा वाला नारियल दान करिए। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति को तेज करना चाहते हैं तो आज के दिन रात को सोते समय एक चंदन का टुकड़ा सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर उस चंदन के टुकड़े को किसी धार्मिक स्थल या मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने बच्चे के अंदर दूसरों की मदद करने का भाव लाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको राहु के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए, और जप करते समय अगर संभव हो तो बच्चे को साथ में ही बैठाएं। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवी नमः। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवी नमः। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और घर के मंदिर में चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाइए। अगर आप मेहनत और लगन का उचित फल पाना चाहते हैं, निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पुष्पांजलि यानी फूलों की अंजलि अर्पित करनी चाहिए, उन अंजलि में फूल भरकर अर्पित करने चाहिए। अगर आप अपने करियर में नए मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन एक चुटकी सरसों के दाने लेकर बहते जल में प्रवाहित करें। और अगर आप जीवन में हर तरह के सुख साधन पाना चाहते हैं और अपने आसपास सब कुछ आनंदमय देखना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में सिंघाड़े का आटा दान करें। अगर आप नई भाषाएं सीखना चाहते हैं या सीखने की क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। अगर आपको कहीं आसपास कदम्ब का पेड़ न मिले तो उसकी फोटो देखकर प्रणाम करें। अगर आप अपनी बात को दूसरों के सामने कहने में हिचकते हैं या दूसरों के सामने खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते हैं तो आज के दिन मंदिर में जौ का दान करें। तो ये सारी चर्चा थी आज श्रावण मास में किए जाने वाले कृत्यों के बारे में। साथ ही आज हमने चर्चा की आयुष्मान योग और शतभिका नक्षत्र के बारे में। आज के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, मनोरंजन करने के लिए आज आपको मौके मिलेंगे जिससे आपका मन खुश होगा। B, जीवन साथी आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे, आपके किसी काम में मदद भी करेंगे। C, आपके लिए आज का दिन खुशनुमा बना रहेगा और आपके रिश्तों में नयापन आएगा। D, आपके आज अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, आपको आगे बढ़ने की कोई नई किरण नजर आएगी। E, आपके लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा, प्रेम प्रसंग में आपको सफलता मिलेगी। F, कोई जरूरी चीज आप कहीं रखकर भूल सकते हैं जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। G, आपको आज कोई खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार के सभी लोग बहुत खुश होंगे। H, पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचना चाहिए जिससे आपका माइंड अच्छा बना रहे। I, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। J, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, नए कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा। K, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, आपके सभी काम मन मुताबिक पूरे होंगे। L, आज वाणी पर संयम रखना चाहिए जिससे आपके लिए ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
एम बचपन के मित्र से मुलाकात होगी, उसके साथ आप खूब सारी बातें करेंगे। एन जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। ओ परिवार में सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। पी ऑफिस के किसी काम में अपनी राय दे सकते हैं, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। क्यू लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ फोन पर खूब सारी बातें करेंगे। आर किसी के साथ विवाद होने की संभावना बन रही है, इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहें। एस थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, जरा सी भी बात आपको छुप सकती है। टी आपकी बनाई हुई कोई योजना पूरी होगी जिससे आप बहुत खुश होंगे। यू आपकी बनाई हुई कोई योजना मंजिल को हासिल करेगी और सफलता मिलने से आपकी प्रसन्नता के कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वी कार्य क्षेत्र में आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी, साथ ही आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। डब्ल्यू आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। एक्स आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं, इन विचारों से आपको अच्छा मुनाफा होगा। वाई दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन आप किसी काम की वजह से लेट हो सकते हैं। जेड कारोबारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, अचानक आपके कारोबार में बड़ा मुनाफा होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित ये मंदिर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में स्थित है। महाबन नामक स्थान पर इस मंदिर को 400 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि बाहरी आक्रांताओं के आक्रमण के समय वो पूरा दिन सफर करने के बाद इस मंदिर तक पहुँच ही नहीं पाए। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण उनके बड़े भाई बलराम के विग्रह स्थापित हैं। लोग दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी पीले रंग के नाखूनों के बारे में, और आज बात करेंगे गुलाबी रंग की आभा वाले नाखूनों के बारे में। गुलाबी रंग की आभा वाले नाखून सामान्यतः देखने को मिल जाते हैं। हल्के हल्के गुलाबी रंग के नाखून देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। ऐसे नाखून सौभाग्य को दर्शाते हैं। जिस किसी के नाखून गुलाबी रंग के हों उसका भाग्य हमेशा उनके साथ रहता है और उनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। सीधे अर्थों में ये लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। गुलाबी रंग के नाखून अगर चमकीले चिकने और उठे हुए हों तो और भी अच्छा माना जाता है। जिसके नाखून आगे से गोल हों साथ ही गुलाबी रंग के हों तो धन संपदा में वृद्धि का सूचक है। ये लोग प्रगति की ओर बढ़ते जाते हैं। कल हम बात करेंगे सफ़ेद रंग के नाखूनों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 जुलाई को श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 10:12 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 11:39 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना मना। अतः आज सुबह 10:12 तक आपको मूली नहीं खानी चाहिए। उसके बाद कल दोपहर पहले 11:39 तक बेल का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज एक कागज और एक पेन अपनी जेब में रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।